विभिन्न मत पंथों में नाम की बड़ी महिमा है। सभी मत वाले अपनी परंपरा के नाम को बड़ा कहते हैं। सच क्या है और ये भी एक साखी में कहा जाता है, कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोए। यह आदि नाम क्या है? विभिन्न मत पंथों में जब किन्हीं को दीक्षित किया जाता है तो गुरु के द्वारा, मुखिया के द्वारा उनको कुछ नाम बताए जाते हैं, 3 नाम, 5 नाम, 8 नाम, इन नामों का जाप करना, जैसे राम राम, जैसे राधे राधे, जैसे गुरु गुरु, जैसे सोहम सोहम, ये एक एक नाम है ये सब। तो उनकी अपनी परंपरा में कहीं 5 नाम, कहीं 8 नाम, जिसके यहाँ जितना है वो उसकी चर्चा करता है। वो कहेंगे, गुरु कहेंगे कि ध्यान में जब बैठो तो इन्हीं नामों का जाप करो। इसी प्रश्न को लेकर के किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि नामों की बड़ी महिमा है, कबीर पंथ में सतनाम की बड़ी चर्चा है, सतनाम, सतनाम साहेब। अब सतनाम एक ही नाम है, अनेक परंपराओं में 5, 7, 8 नाम हैं। और वो कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति ना हो उसको ये नाम नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बताने वाला दोषी पाया जाएगा। और जिसको बता दिया जाता है वह इस नाम को गुप्त रखे, इसका गुप्त जाप करे बस। अगर दूसरे को उसने फैला दिया, बता दिया और वह योग्य नहीं है, तब तुम पर पाप पड़ेगा। साहब जी बताया करते हैं कि एक महिला किसी पंथ में दीक्षित हुई तो उसको 5 नाम बताए गए, 5 नाम दिए गए। वो जब मंत्र लेकर के आई तो उसने 5ों नामों को एक कागज़ में लिख करके अपने दरवाजे पे चिपका दिया। उसने कहा, देखती हूँ क्या होता है, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। लेकिन उस महिला ने बड़ी बहादुरी का काम किया। नामों की बड़ी महिमा है, सभी नाम वाले अपने नाम को बड़ा कहते हैं। तो सच क्या है, पहला प्रश्न ये है। और यह भी कहा जाता है, वह साखी दोहा, कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोए। एक गुप्त नाम है जो आदि नाम है, प्रारंभिक नाम है, उसे कोई कोई जानता है। तो आदि नाम क्या है? ये 2 छोटे से प्रश्न हैं। साहब ने लिखा है, मनुष्य के भटकते हुए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए नाम जप एक साधन मात्र है। नाम जप से कोई सिद्धि नहीं होती,
किसी भगवान के दर्शन नहीं होते और ना ही नाम जप करने से दुखों से छुटकारा मिल जाता है। नाम जप मोक्ष का भी साधन नहीं है। तिलिस्म शब्द जानते हैं? तिलिस्म उर्दू का शब्द है। तिलिस्म का मतलब होता है जादू, एक झूठी आभा तैयार किए रहना। जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी के जाले के सामने खड़े हो जाओ तो कितना रंग बिरंगा उसकी जालसाजी देखे, उसकी बुनावट देखे, आप आश्चर्य करेंगे कैसा है। उसमें जीव जंतु छोटे छोटे फंसते चले जाते हैं, फिर मकड़ी अपने क्षेत्र से बाहर आती है और उन्हीं जालों पर चलते हुए जाती है और जहाँ जहाँ उसको जीव दिखते हैं वहाँ वहाँ वह उसको खाती चली जाती है। जो जाला अभी था वो अब नहीं है, वही है तिलिस्म। ये नामों के साथ, नाम और नामों का जो इतना महत्व बताया गया है, तिलिस्म जैसा है, जादू जैसा है, जाल जैसा है। साहब ने सीधे सीधे यहाँ लिख दिया कि नाम जप चंचल मन को एकाग्र करने का एक साधन है। बस नाम जप करोगे तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, यह सब व्यर्थ है। और दूसरी बात, जिस पवित्र नाम के जप से जिसका मन एकाग्र हो वह नाम उसके लिए बड़ा है। वैसे कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। विभिन्न संप्रदाय वालों द्वारा अपने अपने संप्रदाय में प्रचलित नाम को बड़ा कहना और उससे जप करने से सभी समस्याओं का समाधान मानना, यह चढ़ा ऊपरी की बात है, यह सांप्रदायिक मान्यता मात्र है। अयोध्या में कोई जाए और राधे राधे करे, लोग स्वीकारेंगे नहीं। वहां राम राम का ही जाप है। और कोई मथुरा वृंदावन में जाए और सीताराम सीताराम करे, नहीं मान्य होगा, उधर राधे राधे ही हैं। तो हर संप्रदाय में और हर जगह पर लोग अपने नाम को बड़ा कहते हैं और उससे उन सभी समस्याओं का समाधान मानते हैं, यह सांप्रदायिक मान्यता है। बस आगे सुने, संसार में जितने भी नाम हैं सभी नाम किसी व्यक्ति या वस्तु के हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ग्रामर में पढ़े हैं, याद है? व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, राम जाता है, राम एक व्यक्ति का नाम है, वो संज्ञा है। संसार में जितने भी नाम हैं सब किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के हैं और ये सभी वस्तुएं और व्यक्तियों के शरीर नाशवान हैं, जड़ हैं और क्षणभंगुर हैं। इन वस्तुओं के नाम जप से
दुखों का अंत नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात है। नाम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, व्यक्ति मानो तो उसका शरीर, और वस्तु और जगह ही जड़। तो किसी शरीर का नाम जपो, किसी सांसारिक वस्तुओं का जप करो या उसका स्मरण करो, उससे दुखों का अंत नहीं हो सकता। ध्यान रहे, सभी नामों का नामकरण करने वाला यह चेतन जीव है, यही सभी नामों का मूल है। लेकिन उस चेतन जीव को समझने वाला, उसका महत्व जानने वाला कोई बिरला है। जो चेतन को समझता है और जो समझता है कि यह मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा समझकर वह अपने आप में स्थित हो जाता है। वो बाहर के प्राणी पदार्थों और स्थान के नाम जप को छोड़ देता है। कभी भोज में जाएं, भंडारे में जाएं, लोग जय बुलाया करते हैं, अपने गुरु का जय बुला, अपने गुरु की जय बुलाते हैं, अपने महापुरुषों की जय बुलाते हैं, परंपरा की जय बुलाते हैं और जगहों की जय बुलाते हैं। जय वृंदावन, जय मथुरा जी, जय काशी जी, जय प्रयाग जी। कोई भी नाम जप कर ले, उससे मन की चंचलता खत्म हो करके अगर एकाग्रता में वृद्धि हो तो वह नाम अच्छा है। इससे ज्यादा उसका और कोई उपयोग नहीं है। और जो आदि नाम है, वह नाम आपका अपना अस्तित्व है, अपना होना है बस। नाम जब से कुछ होने वाला नहीं है अलग से। कबीर साहब का एक पद है। अगला प्रश्न, बीत गए दिन भजन बिना रे। कबीर साहब ने किसका भजन करने को कहा है? राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेति देखु मन माही हो। राम नाम का भजन साहब ने कहा। अगर कबीर साहब आज के समय में होते तो ये जो ऐसे शब्द हैं जिनसे थोड़ा भ्रम कहीं कहीं पैदा होता है, वो शब्द उन्होंने छोड़ दिए होते। उन्होंने और ज्यादा साफ साफ बातें कही होती। समाज जितना तैयार होता है, गुरु उसके अनुरूप बोलता है। बीत गए दिन भजन बिना रे। साहब ने बताया है कि कबीर साहब का ये जो भजन शब्द है, यह किसके लिए है। भजन का पहला अर्थ है स्मरण, सेवा। सेवा जानदार प्राणियों की जाती है। मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा और मानवों के प्रति दया, यही सेवा है।
यहाँ कबीर साहब ने जो भजन शब्द दिया है, भजन का व्यवहारिक स्वरूप है जानदार प्राणियों की सुरक्षा, उन्हें कष्ट ना देना। जानबूझकर किसी को पीड़ा ना दे, किसी के अधिकार का हनन ना करे और किसी के मार्ग में रोड़े ना अटकाए, यही सच्ची सेवा है। फिर जिससे जितनी जिसकी क्षमता हो, जितनी सेवा बन सके करे। तो भजन का पहला अर्थ उन्होंने लिया है सेवा, दूसरा अर्थ है स्मरण। अपने चेतन स्वरूप को प्रकृति से अलग कर लेना, यह है भजन। कहने का आशय यह है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन नहीं किया। पहला अर्थ लोगों की सेवा ना कर पाया और समय बीतता चला गया, और दूसरा अपने आप का स्मरण नहीं कर पाया, आत्मचिंतन नहीं कर पाया, इसके बिना ही दिन बीतते चले गए। इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जिस मनुष्य ने दूसरों की सेवा सहायता ना की, दूसरों के प्रति दया का व्यवहार ना किया, आत्मचिंतन की ओर ध्यान ना दिया, बस उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया। कोई ऐसा ना सोचे कि कबीर साहब ने अपने लिए कहा है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, मेरा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है भजन के बिना। यदि बिच्छू डंक मार दे तो क्या करना चाहिए? झाड़ फूक करना चाहिए। झाड़ फूक अंधविश्वास है, इससे कुछ होता। बिच्छू के काटने छेदने पर झाड़ फूक कभी नहीं करवाना चाहिए। गांव में तो मैंने देखा कि डॉक्टर के पास तो कोई जाता ही नहीं है, वो पहला काम यही करता है, किसी झाड़ने फूकने वाले को बुलाते हैं। पता नहीं कैसे काम कर जाता है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से। वो सामने बैठ जाएंगे दोनों, वो भभूत ले लेगा, कुछ मुंह से बोलता जाएगा, बुलाता जाएगा, और थोड़ी थोड़ी वो उसके पैरों पे या जहाँ भी मारा है, बिच्छू नीचे जमीन पे चलता है तो पैर पे ही मारता है अक्सर, तो कुछ किसी एक नस को दबाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा राख से, बस हो गया 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, उसके बाद बोलेंगे चले जाओ। थोड़े पूछते हैं कैसा लग रहा, हाँ आराम तो है, बस हो गया काम हो गया। बिच्छू के डंक मारे हुए स्थान को थोड़ा काट कर वहां से थोड़ा रक्त निकाल दे, उसके ऊपर वाले भाग को धागे से थोड़ा मजबूती से बांध दें, जिससे रक्त का वहन रुक जाए और जहर का प्रभाव खून के साथ ऊपर न चढ़ने पाए। फिर किसी डॉक्टर या वैद्य से दवा कराना चाहिए। झाड़ फूक कभी नहीं करवाना चाहिए, यह अंधविश्वास है। एक और प्रश्न है ऐसा ही, लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को जल्दी ही नजर लग जाती है, यह नजर लगना क्या है, कैसे लग जाती है? पहले गांव देहातों में नजर लगती थी, अब शहरों में लगती है कि नहीं लगती है पता नहीं, पहले लगती थी। साहब लिखते हैं, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। बहुत से लोग दुलारवश
भ्रमवश छोटे बच्चों को खुली हवा और प्रकाश में नहीं निकालते, इससे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जब ऐसे बच्चों को किसी दिन खुली हवा या प्रकाश में निकालने का अवसर पड़ता है, तब वे बच्चे बाहर की हवा और धूप नहीं सह पाते, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो लोग वहम करने लगते हैं कि बच्चे को नजर लग गई। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है कि जब मां के असंतुलित आहार विहार के कारण बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और संयोगवश उसी समय उसे बाहर निकालने का अवसर पड़ा या घर में कोई मेहमान वगैरह आए और उन्होंने बच्चे को थोड़ा प्यार दुलार दिया, तो लोग समझते हैं कि बच्चे को नजर लग गई। यह नजर लगना एक वहम मात्र है। मनुष्य के मरने के बाद शव को जलाना चाहिए या गाड़ना चाहिए? अलग अलग जगह हैं, जो पुराने सभ्यताएं हैं वहाँ शवों को गाड़ने का अधिकतम जगहों पर प्रचलन रहा है, आगे चल करके उनको जलाने का भी प्रचलन रहा। कुछ जगह न जलाते हैं और न गाड़ते हैं, वहाँ वो उसे एक जगह पर रख देते हैं और जंगली जानवर आकर के उसको खा जाते हैं। तो भिन्न भिन्न परंपराओं में भिन्न भिन्न ढंग से किया जाता है। मनुष्य मरने के बाद शव को जलाना चाहिए या गाड़ना? साहब लिखते हैं, जहां जब जैसी सुविधा हो। जीव शरीर को छोड़कर चला गया, अब शेष रह गई मिट्टी। जीव के रहने पर ही शरीर मंगलमय था, सुंदर जान पड़ता था। अब इस मिट्टी को चाहे तो गाड़ो, जलाओ, पानी में फेंको या कि खुले में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक बात को लेकर के हट करना यही ठीक है, ये बेकार है। ऐसे ही प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की हड्डियों को गंगा में विसर्जित करने से क्या सचमुच उसकी आत्मा को शांति मिलती है? मृत्यु के पश्चात गंगा हो या कोई भी नदी हो, उसमें मृतक की हड्डियों को विसर्जित करने से पुरोहित कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिलती है। क्या सचमुच ऐसा है? साहब ने लिखा है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, मनोविकार बनाए रखकर गंगा में स्नान करने से जीते जी शांति नहीं मिल सकती, तो मरने के बाद हड्डियों को गंगा में विसर्जित करने से किसी को शांति कैसे मिल सकती है? हिंदुओं का अपना एक विश्वास है कि गंगा में हड्डियों को विसर्जित करने से मृतात्मा को शांति मिलती है।
किसी के मरने पर उसके नाम से चाहे जो कुछ करो, उसे ना तो कुछ पता चलता है ना उसे उसका कोई फल मिलता है। वस्तुतः मनुष्य को सद्ज्ञान तथा सदाचरण से ही शांति मिलती है। कोई आदमी मर गया, अब उसके पास बैठ करके कान में गीता पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो या कि बीजक पढ़ो, उस आदमी को कोई लाभ नहीं है। हाँ, जो जीते जी हैं वहां पर उन्हें जरूर कुछ सुकून मिलेगा। दुनिया में अनेक धर्म और संप्रदाय हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है, ऐसा क्यों? इतने संप्रदायों की क्या आवश्यकता है? इतने धर्म क्यों हैं? पहला कारण, विचारों की विभिन्नता। भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं। और दूसरा कारण, देश काल और परिस्थिति का अंतर। कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां देवता मांस मच्छी ही खाता है। मांस मच्छी न दोगे तो वह खुश नहीं होगा। और कितने ऐसे संप्रदाय हैं जहां ठाकुर सिर्फ दूध घी ही लेता है, मांस मच्छी नहीं चढ़ता उसको। तो बड़ी विभिन्नताएं हैं देश काल परिस्थिति। हिंदुस्तान में जो बौद्ध धर्म है वहां बुद्ध सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी हुए हैं। यही बौद्ध धर्म जब हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर गया है, नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन, मंगोलिया, जापान पहुंचा है, तो वहां बुद्ध को भारी मात्रा में पशु का मीट चढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बुद्ध सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी, और जैसे ही भारत की सीमाओं के बाहर जाते हैं तो बुद्ध के नाम पर सारे कर्मकांड हैं। ऐसा कैसे हो गया? दो कारण, विचारों की विभिन्नता और देश काल परिस्थिति में अंतर। साहब ने इसको बड़े अच्छे ढंग से थोड़े में लिखा है। भिन्न भिन्न देश, समय और परिस्थितियों में अनेक महापुरुष तथा समाज सुधारक हुए हैं। उनके समय में समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थीं, जो विषमताएं थीं, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और समाज में समता, एकता, शांति बनाए रखने का उपाय किया। तो उन्होंने अपने अपने ढंग से कुछ नियम, कुछ पूजा पाठ, कुछ आचार विचार की पद्धतियां प्रचलित की, और उनके जाने के बाद धीरे धीरे अलग धर्म और संप्रदाय बनते चले गए। ऐसा होना बुरा भी नहीं है, गलत है अपने धर्म और संप्रदाय को बड़ा स्वर्ग या मोक्ष का ठेकेदार मानना और
दूसरे धर्मों और संप्रदायों को छोटा बताना और नरक का रास्ता बताना। तो धर्मों और संप्रदायों का होना कोई गलत नहीं है। गलत क्या हो जाता है? जब हम दूसरों को छोटा बताते हैं और दूसरे को नरकगामी बताते हैं, यह गलत हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री जब रॉकेट पर बैठकर आकाश की तरफ गए तो उन्होंने आकाश को शून्य कहा, यहां कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, शून्य, निर्जन। अंतरिक्ष यात्रियों ने आकाश को शून्य कहा है, जबकि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आकाश में अनेक लोक हैं और वहां देवताओं का वास है और देवता आकाश से फूल बरसाते हैं। दोनों में सच क्या है? साहब ने चार शब्द लिखे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का मत सही है, बस। अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि वह शून्य है, बस यही सच है। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है कि देवता आकाश में रहते हैं, अनेक लोक हैं और फूलों की वो बात करते हैं, वह गलत है। जादू मंत्र क्या है? क्या ये सही होते हैं? जादू मंत्र टोना, ये कोई चीज नहीं होती। अपने वाक चातुर्य, हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट के आधार पर जादूगर कुछ का कुछ दिखाते हैं। जादूगर जो मंत्र पढ़ते हुए दिखते हैं, वह सिर्फ दर्शकों को भुलावे में रखने के लिए होता है। वे दिखाते वही हैं जिसकी तैयारी वे पहले से किए होते हैं और जो उनके पास होते हैं। जादू मंत्र झूठ है। बंगाल में एक बड़े जादूगर हुए हैं, पीसी सरकार। उनका नाती अब चलाता है पीसी सरकार जूनियर के नाम से। आप कभी शहरों में जाएं तो पोस्टर लगे रहते हैं, पीसी सरकार जूनियर के द्वारा जादू। तो उनके जो पितामह थे पीसी सरकार, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया था। वो जादू करते थे और बता देते थे कि देखो इसमें कुछ भी जादू नहीं है, ये होशियारी है। और वो एक चीज और कहा करते थे, जब कोई धार्मिक महापुरुष मंच से कोई धार्मिक जादू करता था, चेन निकालना, भभूत निकालना, घड़ी निकालना, तो कहा करते थे कि ये जो महापुरुष जो जो कुछ करते हैं वो सब कुछ मैं कर सकता हूं, और इसके अलावा जो मैं करूंगा वो ये नहीं कर पाएंगे। तो पीसी सरकार ने एक बार सत्य साईं, वो उलझे उलझे बालों वाला और उलझे उलझे जीवन वाला एक आदमी था जो सबको उलझाए रखता था अपनी जटाओं में, उसको उन्होंने चैलेंज किया था कि हम एक ही मंच से करें, आप जो जो कुछ करते हैं मैं वो सब कुछ कर दूंगा, जो मैं करूंगा वो आपको करना होगा। सत्यसाई ने जीवन भर कभी जवाब ही नहीं दिया, मैंने सुना ही नहीं। उनके चेले ने कहा,
आप अपना धंधा करो, हमारे गुरुजी अपना धंधा करते आप अपना धंधा करो, हम अपना धंधा करते हैं। बड़ी गजब की चीज़ है, जादू मंत्र टोना ये कुछ भी नहीं होता है। जादूगर जो मंत्र पढ़ते हुए दिखते हैं वह सिर्फ दर्शकों को भुलावे में रखने के लिए होता है, वो दिखाते वही हैं जिसकी वो तैयारी करके आते हैं। मैं किसकी सेवा करूं जिससे मुझे मुक्ति मिल सके? त्याग वैराग्यनिष्ठ सदाचार संपन्न आत्मपरायण व्यक्ति की सेवा करो। किसी ने इस प्रश्न को आगे भी बढ़ाया है कि मूर्ति की पूजा करना तो आसान लगता है क्योंकि वो गलती नहीं करती है, साधु संतों की पूजा करें तो उसमें तो कुछ गलत लोग भी हो जाते हैं तो उनकी पूजा करने का मन नहीं होता। तो साहब ने उसके जवाब में लिखा है कि गलती भी आदमी से होती है और सुधार भी आदमी से ही हो सकता है। मूर्तियों से ना गलती होती है ना उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बांचा हुई। इसको सुने, हम किसकी उपासना करें, साधु संत की या देवी देवता की? साधु संत की उपासना करें तो मनुष्य होने से उनमें कुछ बुराई भी हो सकती है, इसकी अपेक्षा देवी देवता की मूर्ति की उपासना ठीक है क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं होती। ऐसा प्रश्न है, साहब लिखते हैं, जिससे सद्गुण और सदाचार की प्रेरणा मिले, जो ज्ञानी हो बोधवान हो वही हमारा सच्चा उपास्य हो सकता है। यह ठीक है कि साधु संत गुरु मनुष्य होने से उनमें कभी कोई भूल हो सकती है, लेकिन सुधार भी उनसे ही होता है। मिट्टी पत्थर की मूर्ति बनाकर हम अपनी ओर से भले उपासना कर लें, उधर से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। ध्यान दो, जो मूर्तियां स्वयं चोरी चली जाती हैं और विदेशों में जाकर बिक जाती हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाती हैं, स्वयं पर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकती हैं, वे हमारा उद्धार और रक्षा कैसे कर सकती हैं? मूर्ति पूजा का अर्थ इतना ही है कि जिन महापुरुषों की वे मूर्तियां हैं उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें, और इसकी प्रेरणा जो वर्तमान में साधु गुरु हैं उनसे प्रत्यक्ष मिलती है। अगर किसी में कोई त्रुटि जान पड़े तो उस त्रुटि को हम न लें, बस। शनिवार को लोहा खरीदना चाहिए या नहीं, लोहे के दुकानदार से पूछो जिसको अपनी दुकान चलानी हो कि शनिवार को तुम्हारी दुकान चलनी है कि नहीं चलनी है, वो बताएगा। ये बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन लोग पालन बहुत करते हैं, बड़ी तत्परता से।
शनिवार को लोहा खरीदना चाहिए नहीं, जिस दिन जिसकी जरूरत हो अवश्य खरीदो। किसी खास दिन पर, किसी खास समय, किसी खास नक्षत्र में कोई सामान खरीदना है नहीं खरीदना है, यह मानना अंधविश्वास एवं भ्रम है। हां, इतना जरूर विचार लो किसी वस्तु को खरीदने से पहले कि इसकी आवश्यकता सचमुच है या नहीं, और बाजार भाव में उस वस्तु की ठीक से जांच पड़ताल कर लो, जिससे धोखा ना खाना पड़े। बस बाकी जिस दिन जिसकी आवश्यकता हो वह खरीदो। श्राद्ध क्या है? क्या पिंडदान करने से जीव की गति मुक्ति होती है? श्राद्ध, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म। मरने वाला अपने पीछे कुछ न कुछ संपत्ति छोड़ जाता है, उसके उत्तराधिकारियों को बिना मेहनत के ही वह संपत्ति मिल जाती है। तो पीछे आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है कि उस संपत्ति को वे बस अपने में ही न खर्च कर दें, उसका कुछ हिस्सा समाजी उपयोगी कार्यों में, दीन दुखियों की सेवा में लगाएं, या ऐसी संस्थाओं को दें जो लोक कल्याणकारी कार्यों में हों, या फिर विवेकी संतों के पास श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा में लगाएं। इससे मृत व्यक्ति का तो नाम होता ही है, उनके उत्तराधिकारियों का मन भी प्रसन्न और शुद्ध होता है। पिंडदान करने से जीव की गति मुक्ति होती है, यह विचार, यह धारणा भावुकतापूर्ण है और अंधविश्वास है। जीव की गति मुक्ति तो उसके अपने कर्मों से होती है। जीवन रहते रहते उसने जो कुछ किया है, बंधन बनाए हैं या बंधनों से मुक्त हुआ है, इससे ही उसकी गति मुक्ति निर्धारित है। हमारी गति मुक्ति हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होगी, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। इसलिए श्राद्ध के नाम पर जो किया जाता है, लोगों को बुलाना, कुछ खिलाना, दे देना, कर देना, संतों को दे देना, संस्थाओं में दे देना, यह ठीक माना गया है। लेकिन श्राद्ध करने से, पिंडदान करने जीव की गति मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। पुरोहितों ने धर्म का बहुत अहित किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के ब्राह्मणों ने ही यह किया है। मैंने ब्राह्मण की बात नहीं की, पुरोहितों की बात करता हूं। वो चाहे हिंदुओं के पुरोहित हो, या कि मुसलमानों के, या कि अन्य धर्मों के पुरोहितों का, चूंकि जीवन यापन कर्मकांड से होता है, इसलिए उन्होंने कर्मकांड को इतना मूल्यवान बताया। हिंदुओं के यहां 16 कर्मकांड होते हैं, 16 कर्मकांड। ब्राह्मण पुरोहित आपके घर में 16 बार आएगा, आप चाहे जिस जात के हों, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखा है उसने। एक ही गांव है, हर घर में उसको जीवन में 16 बार जाने का अवसर मिलेगा। ब्राह्मण पुरोहित कभी भूखा नहीं मरेगा, इंतजाम कर लिया है उसने। पुरोहिताई ने बहुत नाश किया है।
इसीलिए जो पुरोहित पुरोहिताई करने वाले कर्मकांडी हैं वो कबीर का नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, क्योंकि सीधे उनके धंधे पर प्रहार होता है। इसलिए ये चीजें बड़ी आसान हैं, बड़ी सरल हैं हम लोगों के लिए, लेकिन जो सिर से पैर तक इनमें डूबे हुए हैं उनके लिए बड़ा कठिन है छोड़ पाना। ये थोड़े से कुछ प्रश्न, थोड़ी सी चर्चाएं इसमें से की गई। साहिब बंदगी साहिब।